यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। लोक निर्माण विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में लोकार्पण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सड़कों का विकास होता है। जनपद में कुल 290 सड़कें हैं जिनका 35 करोड़ की लागत से नवीनीकरण किया जा रहा है और ये कार्य 2019 जून तक पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5634 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उनकी चाबी लाभार्थियों को सौंपी जा रही है। वहीं गठबंधन में चल रहे तनाव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इस बारे में हमारी बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हो चुकी है। साथ ही उन्होंने इस बारे में हमें आश्वस्त भी किया है। पत्रकार की ओर से ये पूछे जाने पर कि उनके ही पार्टी के एक सांसद ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना ली है तो उस पर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा देश है कोई भी नई पार्टी बना सकता है। वही कार्यक्रम में किसी बीजेपी विधायक के ना शामिल होने पर वो बोली कि आप उनसे ही पूछ लें कि वे क्यों नहीं पहुंचे हैं। जनहित का कार्यक्रम है और मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम है इसलिए मैं आ रही हूं। गठबंधन के तनाव पर भी बोलती नजर आई अनुप्रिया पटेल जो कि मिर्जापुर पहुंची थी। इस मौके पर उनसे बीजेपी विधायकों के ना पहुंचने की जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे खुद ही विधायकों से पूछ लें कि वो इस दौरान क्यों नहीं पहुंचे हैं। दरअसल एक लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान अनुप्रिया पटेल पहुंची थी। मार्ग का विकास ही होता है और आज पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो यहाँ पर शिलान्यास किया गया है उसमें हमारे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों की 290 सड़कें हैं जिनकी लंबाई 440 किलोमीटर है और 35 करोड़ की लागत से इन सभी सड़कों का नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है और जून 2019 तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा ये आपने कहा था कि 28 के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, मनमुटाव जो पार्टियों में आपकी तरफ से और भाजपा की तरफ से चल रहा था क्या क्या निकला उसमें अभी तक? हमारी 27 को बैठक हो चुकी है, 27 को हमारी बैठक हो चुकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी से हमारी बैठक हो चुकी है। इतना बड़ा देश है कोई भी पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी नई पार्टी रजिस्टर करा सकता है। मेरी पार्टी एक ही है, मेरे पास है, मेरे साथ चलती है। ऐसे क्यों पूछते हो आप, विधायकों से पूछो ना। ये सरकारी कार्यक्रम है, क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम है, विधायक क्यों नहीं आ रहे? ये विधायक बताए, जनता के काम से मतलब है तो आए। मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं आ रही हूँ ना, मेरा काम है आना, मैं आ